है और आज है मुनमुन का फेयरवेल। तो देख कैसा तैयार हुई है, देखिए कितना अच्छी लग रही है ना, पहली बार ब्यूटीफुल, पहने देखिए साड़ी पहनी। कितना सुंदर लग रही है, देख रहे। और ये वाइफ पहनाई इसको, और हाँ मांग पहनाई बहुत इसको। अच्छा है, लोग ये लुक है। आज ड्रेस कोट सब पहन के जाना है और बहुत सुंदर लग रही है मुनमुन। तो चलिए चलिए, पहले छोड़ के आते, स्कूल टाइम हो गया, हाँ टाइम तो हो गया है। हो गया सुबह सुबह, बहुत ठंड है गाइस यहाँ से। देखिए मुनमुन भी आ रही है पीछे से, जल्दी से फटाफट पहले छोड़ के आते हैं और आज चलते हैं ब्रिजा से। मौसम एकदम फॉग है, पूरा कुहासा, एकदम ठंड मौसम है, देखिए एकदम बादल घिरा हुआ है मौसम। देखिए देखिए टाइसन वहाँ पे कैसे चिल्ला रहा है। टाइसन आ रही, बोले वहीं पाएंगे तो आज निकालेंगे ब्रिजा। बहुत ठंड है यार, कैसा लग रहा है गाइस बताइएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए निकलते हैं अभी हम लोग यहाँ से स्कूल, कवर हटा लेते हैं। चलिए अभी चलते हैं ना यहाँ ब्रिजा से सीधे स्कूल। टाइम भी होते जा रहा है, मुनमुन यहाँ इंतजार कर रही है बैक साइड वाला गेट में, पीछे का गेट से मुन निकल रहे हैं, यहाँ मुनमुन इंतजार कर रही है। देखिए मौसम बहुत खतरनाक, और कैसा लग रहा है गाइस जरूर बताइएगा। चलो जैसे मुनमुन बैठ गई है, और बहुत ठंड है यार, आज ठंड का मौसम, इन लोगों का फेयरवेल हो गया गेट, और यहाँ मौसम एकदम चेंज है ना मुनमुन, कितना ठंड पड़ गया ना बेचारी को, ठंड लग रहा है बहुत उसको। तुमको तो आता था लड़की लोगों का कि ठंड कितना भी रहे लेकिन तैयार, और कुछ पहनना नहीं है, फेयरवेल है भाई। हम अभी अब खैर मुनमुन चली गई, आज है फेयरवेल कार्मल स्कूल। इतना मौसम खराब किया हुआ आज, अगर फेयरवेल है तो सब अपना सज धज के आया है, उतना स्कार्फ टोपी कैप नहीं पहना हुआ है, तीनों को और ज्यादा ठंड लग रहा है, एकदम बिल्कुल मौसम खराब है। देख आज मौसम देख रहे हैं, अभी भी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं घर, और बहुत खतरनाक मौसम किया आज, लगता बारिश होगा, फिर रात में बारिश हुआ है। सेफ्टी में अच्छा लगा दिया, अभी बहुत अच्छा सेफ्टी कर दिया है इसको, इधर टर्न करना, पहले यहाँ बहुत ज्यादा जाम लगता था, अब देखिए उतना जाम नहीं लग रहा है। हर वीडियो में आप देखोगे यहाँ मेरा बहुत ज्यादा जाम रहता था, लेकिन अब देखिए नहीं है, चारों तरफ लगा हुआ ब्रेकेट। तो देखिए गाइस अभी यहाँ पे कलर काम चल रहा है, और यह गाड़ी खड़ा, देखिए कौन कौन सा रूम कलर हो गया दिखा देते हैं आपको। ये कलर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, कैमरा में उतना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा कलर, लेकिन कलर बहुत अच्छा है, प्यारा कलर है। और ये गली में दिखा रहे हैं, कलर लेकिन कैमरा में उतना अच्छा कलर नहीं आ रहा, देख रहे कैसे कलर आ रहा, ठीक नहीं आ रहा, तो बढ़िया कलर नहीं आ रहा। अभी हम लोग आए हैं सुबह का ब्रेकफास्ट, मुनमुन लोग को छोड़ दिए स्कूल, अब ब्रेकफास्ट में देखिए ठंड, इतना मौसम खराब है, तो यहाँ देखिए पूड़ी और प्याज भर के रोटी मतलब पराठा, और ये चाय मेरा फेवरेट चीज़ है, प्याज पराठा, प्याज भर के रोटी जो भी बोले, और चाय। देखिए आज भाई भी घर में ही है, छुट्टी है, आइस पेंटिंग कर रहा है सुबह सुबह, असिया मेरे साथ नाम ब्रेकफास्ट कर रही है, वहाँ किचन में सब कोई अपना नाश्ता की तैयारी कर रहा है। अभी तक हम लोग इसको उतार भी नहीं पाए हैं, जब से टंगा हुआ डेकोरेशन जितना किए थे, तो देख रहे हैं अभी तक वैसे ये टाइम ही नहीं हो पा रहा, इधर उधर का काम लेकर के बच्चा का स्कूल बिल्कुल नहीं हो पा रहा, इधर देखिए कुछ भी नहीं, तो एकदम कुछ भी नहीं कर पा रहे एकदम बिल्कुल, और बहुत जल्दी करना इसको से, नहीं तो सब गंदा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। पापा भी गुस्सा कर रहे हैं, है ना श्रिया, नाना भी गुस्सा कर रहे ना, ये काफी लंबा समय रह गया, तो आज देखते अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे।
टमाटर चार तेरा लाल लाल टाइप का, लाल लाल नहीं मिल रहा। मटर छिम्मी तो ठीक है, बाकी सब सब्जियाँ फ्रेश है। तो आ रहे थे तो देख रहे हैं टमाटर लाल लाल है नहीं उतना, मटर छिम्मी एकदम फ्रेश है, बाकी सब सब्जी एकदम ताज़ा। अरे ये अब थोड़ा मौसम ठीक हुआ है जो, लेकिन बनाया सुबह। हेलो, उस समय उनके पापा थे सुबह, और मौसम अभी ठीक है, बस कितना अच्छा मौसम कर दिया, देख रहे एकदम फ्रेश, लेकिन हवा बहुत तेज है। खड़ा है पे, चलिए अब चलते जल्दी से घर, सब्जी देते उसके बाद जाना है फिर अभी मुनमुन को लाने के लिए। छुट्टी हो गया होगा फेयरवेल का, 12:30 बजे का टाइम है, फेयरवेल का टाइम हो जाएगा इसलिए जाना पड़ेगा लाने। अभी पहुंच गया है कारमल स्कूल, और अभी मुनमुन का चल रहा है, फेयरवेल ख़त्म हो गया लेकिन अभी नाश्ता उस्ता चल रहा है सबका साथ। आया देखिए सुबह आया अभी लेने के लिए। देख कितना देर लगता है, उन्होंने नाश्ता हो रहा है, नाश्ता करके उन्होंने निकलती है। गाइस अभी यहाँ कारमल स्कूल का सबसे फेमस चीज़ें को मिलता है खाने को, और ये गया हुआ अभी शुभम लाने के लिए। क्या है आने के बाद आपको दिखाते हैं, अगर मिलता है तो मिल ही जाएगा, लेकिन आज तो खाली फेयरवेल है तो हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि स्कूल रहने से यहाँ पे कंटिन्यू मान के चलिए आपको वो चीज़ मिलता ही मिलता है। तो अभी देखें क्या है, शुभम गया है, मिलता तो आपको दिखाते हैं। गया और ये क्या लेकर गया है, देखिए चुरमुर, चुरमुर चुरमुर देख रहे हैं, कारमल स्कूल का सबसे फेमस डिश। देखे हम बोले ना, सुबह भी बता दिया कारमल स्कूल सबसे फेमस डिश है चुरमुर, ये बहुत ज्यादा बिकता है, और सब लड़की लोगों को पसंद भी है। चलिए हम भी खा लेते, इसको खाते या फिनिश करते हैं। मजा आ गया, लेकिन थोड़ा तीखा था ना सुबह, बहुत स्पाइसी स्पाइसी था ना, लेकिन मजा आ गया, चटपटा है, बहुत मजा। ओ बात नहीं हो पा रहा, लेकिन ठंडा मौसम है ना, थोड़ा तीखा जरूरी भी है। अब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। चलिए देखते हैं अभी क्या डिमांड किया है शुभम अपने क्या है, देखिए अभी और देखने को मिलेगा क्या क्या आइटम, तो चलिए बने रहिए। आपको कि क्या स्पेशल फिर आने वाला झाल लग रहा था ज्यादा, तो क्या अभी आया बेस्ट चोकोबार आइसक्रीम ले रहे हैं। देखिए गाइस, चलिए जल्दी से इसको फ्रीज करते हैं, अब मुंह का तीखा को खत्म करते हैं, क्या है मजा आ जाएगा। यम्मी। आज देखिए मुनमुन का फेयरवेल था और उसको यहाँ पे ट्रॉफी दिया गया है, और ये मेरा देखिए क्या लिखा हुआ है, कारमल स्कूल का रिमेम्बर यू का इसको मिला है, देखिए ट्रॉफी इसका सर्टिफिकेट है, और ये गिफ्ट देखिए, अच्छा पढ़ाई करती है इसलिए इसको अच्छा चीज मिला, देखे पढ़ने में ठीक है ये मुनमुन है ना, मुनमुन पेपर मुस्कुराहट है, 12th का था, देखिए 12th का ऐसे ही पढ़ेगी मुनमुन ना तो अच्छा करेगी, देख रहे कितना अच्छा लग रहा है तुमको मिल करके ट्रॉफी। तो चलिए गाइस निकलते हैं, अपनी तरफ से हमको गिफ्ट भी दी है क्योंकि हम सबसे पहले आए, सबसे पहले आई तो इसको ठीक है, लोग इसको गिफ्ट भी दिए देखिए पहले का, क्योंकि आज बहुत चीज मिल गया। तो चलिए हम निकलते हैं यहाँ से घर, सबका हो गया फेयरवेल खत्म, और देखिए सब अपना अपना निकल रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी निकलते हैं अब घर। अभी जस्ट पहुंचे हैं घर और अभी लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद फिर अब रिया को लेकर जाना है चर्च, क्योंकि उन लोग का स्कूल की तरफ से कुछ प्रोग्राम है कल संडे को, तो उसी के लिए कुछ प्रैक्टिस होना है, तो बस अब लेकर के खाना लंच करना है, नहाएंगे फट से जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं एकदम बिल्कुल, अभी रिया नहा रही है अपना फ्रेश हो रही है इसलिए मैं टाइम नहीं था, चलो जल्दी से लंच पहले कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सीधे चर्च, चर्च जाकर के अब देखिए कितना देर आज पूरा हरासमेंट है रहा दिन भर। फल ये दाल और ये देखिए आलू मटर का सब्जी, और अभी चटनी भी आने वाला दिखा रहे, मटर का चटनी देख रहे हैं इतना आइटम, तो जल्दी से फटाफट इसको फिनिश करते हैं। देखिए हम लेकर चल जाएंगे, लेकिन अभी वाइफ जाएगी तो ऑटो पकड़ेगी प्लान, फिर वहां उतरेगा स्टेशन, स्टेशन से फिर मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस, उसके बाद फिर वहां से रिटर्न में भी वैसे ही दिक्कत, और यह अभी नहा करके जाएगी ना तो मौसम भी खराब है, फिर हवा लगेगा तो सकता है कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए हम बोले कि हम ही लेके चलते हैं। चलिए पहले लंच करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद फ्रेश होकर मिलते हैं आपसे। मैं सत्री करके लंच चलो बेटा, हम और पापा निकल चुके हैं अभी चर्च के लिए नेक्स्ट ऑन से,
क्योंकि सुबह पापा गए थे मुनमुन दीदी को छोड़ने ब्रीजा से, और अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्सॉन से। दोनों कार हम लोग यूज करते रहते हैं। तो अभी हम लोग चर्च जा रहे हैं, लेकिन संडे को क्या इसका प्रोग्राम है अब सस्पेंस है। पापा मम्मी को भी नहीं बताए, सिर्फ हम अपने आप को बताए हैं। अपने आप को देख रहे बता रही है, हम लोग किसी को कुछ नहीं बता रही है। हाँ, सिर्फ हम अपने आप को बताएं। और चलिए पहुंचते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि अभी संडे को हम लोग प्रोग्राम है तो उसके लिए प्रैक्टिस चल रहा है। तो अभी पहुंचते हैं और देखते हैं। अब कितना देर का गाइस प्रैक्टिस रहेगा वो देखिए। देखते हैं, चलिए। देखिए अभी शाम होने वाला है और हम लोग बस अब निकल चुके हैं चर्च, क्योंकि रिया का है कल प्रोग्राम और देखते हैं प्रोग्राम किस चीज का है, क्या है। तो रिया ही जानती है। सस्पेंस है। मौसम देखिए, अभी जाके थोड़ा सा धूप किया था तो सुबह में बहुत ज्यादा मौसम खराब था। काम का सिलसिला शुरू हो चुका है, काम पहुंच गया है और अभी चर्च का गेट खुल रहा है। रिया ही उतर के खोली। चर्च के अंदर अभी हम जस्ट पहुंचे हैं चर्च, और लगता है यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा था पहले से भी। आपको दिखा रहे बेंच सब अंदर घुस रहा है, कुछ हो रहा था, लग रहा है कुछ प्रोग्राम काम चल रहा था यहाँ पे, क्या था पता नहीं। तो मिल गई है, इधर देखिए वेलिंगटनी सॉरी मरियम मदर मैरी। कुछ फेयरवेल हो रहा था उधर स्कूल की तरफ से। मेरा नेक्स्ट वन यहाँ खड़ा है, अभी तक तो कोई आया नहीं है। लगता है टाइम काफ़ी लगेगा गाइस। टांगे है फादर लो, आपको दिखा रहे, रुकिए यहाँ पे प्रैक्टिस भी चल रहा है। देखिए क्या सब प्रभु का दिया हुआ श्लोक, मैंने तेरे वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरा विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 119:11। देखिए गाइस ऐसे ऐसे पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, कल आपको सुबह दिखाएंगे। अभी तो सब एक चीज़ देखा है, कल जो प्रोग्राम होने वाला उसको कल सुबह दिखाएंगे, ठीक है। चलिए हम निकलते हैं यहाँ से, अभी सीरिया का फिर से बुला ली डांस करने के लिए। काफ़ी टाइम भी हो गया, ठंड भी बहुत बढ़ते जा रहा है और अभी हम लोग रुके हुए हैं। या आई तो फिर हम लोग निकले, आई हो ही गया है, बस थोड़ा सा कहीं से बात कर रहे थे, टाइम हो गया उसमें। टाइम हो गया है, काफी अंधेरा भी निकल रहा है सबका भी, यहाँ पे गार्जियन लोग भी अभी आ रहे हैं लेने के लिए। ये भी आके बैठ गए, देख रहे सब यहाँ पे है। चलिए चले, देख रहे कितना शाम हो गया। रिया का थोड़ा टेंशन लग रहा था इसलिए कि रिया भी कुछ क्या बोलते हैं, नहा हुआ के निकली है ना, ठंडा ना लगे ज्यादा। यहाँ देखिए कितना ठंडा है, देखिए रिया देख रहे हैं कुछ अभी बेचारी नहा हुआ के निकली है, एकदम सुस्त हो गई है, देख रहे हैं। नींद आ रहा बहुत जोर से, खाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाई ना, देखिए टाइम हो गया, इसलिए काफी टाइम हो गया, काफी टाइम। चलिए पहुंचते हैं घर। हाँ गाइस, चलिए तो अब क्या बोला जाए, इतना टाइम हम भी आज थक गए काफी ज्यादा। ईद बोली थी कि ज्यादा देर का नहीं है, शीशा खोल के रखी का है, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी रिया, अभी सीट बेल्ट बोले उसको लगाने के लिए, देख रहे हैं लगा दिया। और बहुत मजा आएगा, हाँ कल बहुत मजा आएगा, डांस करेंगे चर्च में, फिर प्रोग्राम भी है, स्किट भी है। नहीं सही बात है, तो इसका ज्यादा नहा हुआ के निकली ना, ये तो शाम हो गया था, दीदी नहा के निकले, हम भी नहा के निकले, चर्च आना तो भाई नहा हुआ करके ही आना है कि नहीं, इसलिए तो इसको थोड़ा सुपर टांग देते हैं फिलहाल के लिए। काफी ठंड है यहाँ पे, लेकिन आज उतना नहीं है ना, ठंड पूरा तो पता नहीं चला। ये जो स्वेटर ना फ्रेंड्स, इतना मोटा कि इसमें ठंडा लगता ही नहीं है। आप देख रहे हो पीछे लाइट जल रहा है, फिर उतरा
देखिए जल रहा है, भूत रहा, देख रहे हैं। रात का डिनर भी आ गया है। डिनर में क्या है ये देखिए, रोटी और बंदा गोभी का भुजिया और प्याज और पानी। चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं, बहुत भूख भी लग गया तेज।